नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं और हम में से कई लोगों ने माता की कृपा पाने के लिए व्रत रखा है। दोस्तों, व्रत रखना, पूजा के नियमों का पालन करना, इन सब के बीच थकावट का होना स्वाभाविक सी बात है। लगातार 9 दिनों तक उपवास करने से स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कमजोरी आना या फिर कमजोरी के चलते चलते चक्कर आना। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप नवरात्रों के समय में करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कमजोरी नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है भरपूर पानी पीना। दोस्तों, पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन भर में कुछ खा नहीं रहे हैं तो दिन भर में खूब पानी पिए ताकि आपके शरीर को पूरी एनर्जी मिलती रहे। इससे आप ऊर्जा की कमी महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हो सके तो सुबह सुबह योगा या प्राणायाम करें। ऐसा करने से ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, जिससे आपको चक्कर या कमजोरी नहीं आती। इसके लिए ज़रूरी है एक लंबी सांस लें ताकि आपका मन, शरीर और दिमाग के बीच संतुलन बना रहे। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।